बिजली का बिल नहीं भरने से विद्युत वितरण कंपनी ने काटे BSNL के विद्युत कनेक्शन। पिछले 5 दिनों से ठिकरी नगर में BSNL के उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, क्योंकि BSNL टावर पर विद्युत की व्यवस्था नहीं है। विद्युत वितरण कंपनी के सह कनिष्ठ यंत्री ऋषभ राजपूत के अनुसार BSNL टावर कनेक्शन का बकाया जमा नहीं हुआ है। राजपूत ने बताया कि BSNL के द्वारा मार्च के बाद से कोई भुगतान नहीं किया गया एवं वर्तमान से 3 लाख से अधिक रुपए का बिल बकाया है, जिस वजह से BSNL के विद्युत कनेक्शनों को विच्छेद किया गया है। इस मामले में BSNL के अधिकारियों को सूचित किया गया था, जिसके बावजूद भी उन्होंने बकाया राशि जमा नहीं करी, इस वजह से विद्युत विच्छेद करना पड़ी। इधर BSNL अधिकारी नवीन खोबरा गार्ड का कहना है कि अकाउंट डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से बिल समय पर नहीं जमा होगा, जिस वजह से विद्युत विच्छेद की गई है। जल्द ही बिल जमा कर विद्युत कनेक्शन चालू करवाया जाएगा एवं पुनः सेवा बहाल की जाएगी। इस लापरवाही को लेकर स्थानीय कर्मचारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, जबकि बड़े अधिकारी इस मामले को एक दूसरे पर ढोलते नजर आए। BSNL के ग्राहक राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उनके सभी बैंकों के काम एवं इंटरनेट सेवाएं इस लापरवाही की वजह से ठप पड़े हुए हैं। उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। वे पिछले 20 साल से BSNL के ग्राहक हैं। इस तरह की लापरवाही और सेवा में कमी की वजह से उन्हें दूसरे ऑपरेटर की सेवाएँ लेने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। ठिकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सर, अभी जानकारी मिली है कि BSNL के कनेक्शन और जो एक्सचेंज है वहाँ पे विद्युत प्रदान नहीं हो रहा है, कोई खास वजह से? बिल्कुल सही न्यूज है आपके पास। ये एक्चुअली क्या है कि इन्होंने मार्च 2019 के बाद पेमेंट ही नहीं किया अपने पास। अच्छा। वर्तमान स्थिति में क्या है कि 3 कनेक्शन हमारे पास है BSNL का जी, 2 ठिकरी में है और 1 सेवाल में आ रहा है जी। सर, 1 बरू फाटक में, 2 ठिकरी प्रॉपर में आ रहा है जी। तो तीनों पे मिला करके करीब 3 लाख से ऊपर का पेमेंट ड्यूज है। अच्छा, तो सर इन्होंने लास्ट भुगतान कब किया था? अठारह मार्च 19 के बाद इन लोगों को पेमेंट वापस नहीं किया। अच्छा, तो सर अभी स्थिति क्या रहेगी, मतलब भुगतान नहीं होता है तो? अभी विगत 3-5 दिन से लगभग लाइन काटा हुआ है इनका जी। हालांकि इनके SDO साहब से संपर्क में हैं हम, तो इन्होंने आश्वासन तो दिया है हमें जी। अगर आज भी हालांकि बात हुई है, अगर पेमेंट करते हो तो हम तत्काल लाइन चालू करा देंगे। ठीक है सर, लगभग कितना पैसा बकाया होगा? मार्च में इन्होंने 19,000 के आसपास पेमेंट किया था इन्होंने। अच्छा। तीनों बिल मिला के बता रहा हूँ। उसके बाद अभी वर्तमान स्थिति में मोटा मोटी 3 लाख से ऊपर का ड्यूज है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।